हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचर क्लासेस। आज की वीडियो है सोल्ड यू के स्टूडेंट के लिए। एनआईयूएस वाले बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को यहीं रोक सकते हैं। सोल्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ओपन बुक का रजिस्ट्रेशन करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है हर एक बात, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं और कौन कौन से पेजेस वगैरह किस तरीके से आपको लेने हैं, क्या क्या लिखना होगा, सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सोल दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं अभी जो ये वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी मॉक टेस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ओपन बुक का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लाइव वीडियो में बताऊंगी आपको। एक ही वीडियो में मैं सब ये सब चीज़ बातें एंड आपको सोल्व क्वेश्चन के जो पीडीएफ हैं मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाऊंगी। मैं सिर्फ खाली आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपके भी उससे मतलब आप पेपर कर सको और मुझे भी ज़्यादा वीडियो ना बनानी पड़े, क्योंकि अभी मुझे भी डॉक्टर ने रेस्ट बोला है तो मैं बहुत लिमिटेड ही वीडियो टाइम पर बना पा रही हूँ। तो आई होप स्टूडेंट के आप सब समझ गए होंगे कि किस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैम आपने प्रॉमिस किया था कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओगे, क्योंकि लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब मैंने बताए थे उसमें से ही सब कुछ आया था, जो बीकॉम के क्वेश्चंस मैंने बताए थे। इस बार भी मैं वही बताऊंगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ओपन बुक एग्ज़ाम में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा, वो मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करूँगी, ठीक है। सबसे पहले आपका डाउट है मॉक टेस्ट रजिस्ट्रेशन और ओपन बुक रजिस्ट्रेशन, काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे थे। तो मॉक टेस्ट रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ही होता है कि आपने ओपन बुक के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने एक लाइव वीडियो बनाई है, मैंने एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करके बताया था कि मॉक टेस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वहीं मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप ओपन बुक एग्ज़ाम दोगे तो आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन अपलोड करने हैं, कहाँ पर जाके क्या करना है। इस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, मैंने लाइव बताया था बच्चे का रजिस्ट्रेशन करके भी, और वहाँ पोर्टल पर सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है, लैपटॉप से। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले मिल जाएगा। बच्चों का दूसरा डाउट यह है कि सीट, यानी कि जो हम जैसे क्वेश्चन पेपर लेंगे तो वो सीट कौन सी लें, लॉकडाउन की वजह से कहीं जगह पर ऐसा भी है शॉप वगैरह ओपन नहीं है। देखिए, 7 जून से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम। तो आप स्टूडेंट एक चीज़ कर लें, लॉकडाउन का कभी भी कुछ नहीं पता, लॉकडाउन कब लग जाए क्या हो जाए। तो आप स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो सीट या तो ऐसे प्लेन इस तरीके से A4 साइज सीट ले सकते हैं जो बिल्कुल प्लेन होगी, ठीक है, या फिर इस तरीके की आप रूल सीट ले सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। बट जो PDF बनती है वो ऐसी सीट में ज़्यादा अच्छी बनती है, तो आप ये वाली सीट लें, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा सीट मान लीजिए कि आपके पास, आप सीट लेने जा रहे हैं पहले ही अरेंज कर लें लॉकडाउन का, उसका भरोसा ना करें कि हम लास्ट डेट में खरीदेंगे, नहीं, आप अभी ही जल्दी से जल्दी अपनी सही एक्स्ट्रा सीट लेके रख लीजिए, बाद में चाहे तो आपके काम आ जाएंगी, उनको एक्स्ट्रा लेके रख लीजिए। जो भी पेन वगैरह जो भी चीज़ अरेंज करने वाली हैं वो पहले ही कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका एडमिट कार्ड गलत आया है, कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो आप इस वाली ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो, इस ईमेल आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा डाउट बच्चों का रहता है, मैम पेपर कितने टाइम का होता है। तो भाई पेपर आपका होता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए उनको मिलेंगे 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे, जिसमें से 3 घंटे आपको पूरे पूरे पेपर करने के लिए मिलेंगे और 1 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना है, PDF बनाना है, सब आपको इसी टाइम में करना है, ठीक है। PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको 6 घंटे मिलेंगे, 4 घंटे उनको पेपर करने के लिए मिलेंगे और 2 घंटे उनको मिलेंगे पेपर को डाउनलोड करने में और अपलोड करने में, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लास्ट टाइम का आप वेट ना करें। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन आए, ठीक है, 6 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो 4 ही आपको PDF बनानी होंगी अलग अलग। फर्स्ट क्वेश्चन की 1 PDF अलग से बना दी, दूसरे क्वेश्चन की आपको इस तरीके से PDF बनानी है अलग से। याद रहे 7 MB, यानी कि 7 MB से ज़्यादा की फाइल आपकी ना हो, अदरवाइज अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपकी फाइल 7 MB की हो। आप इस चीज़ को पहले भी ट्राई करके देख सकते हो कि 7 MB की PDF अगर आपने 4 पेजेस की बनाई तो 7 MB की बन रही है नहीं बन रही है, अगर नहीं बन रही है तो आप उसको किस तरीके से कैसे उसको उसकी MB को कम कर सकते हैं। इसका भी अगर कोई ऐप आप डाउनलोड करके रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, हम लास्ट टाइम में परेशान ना हो इसलिए पहले ही ट्राई करके देख लेना। तो एक तो आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे तो 4ों की आपको PDF बनानी होंगी और 4ों का जो फ्रंट पेज होगा वो आपको सेम रखना होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटैम्प्ट किया तो मैंने फ्रंट पेज बनाया, वहां पर मैंने अपना पेज नंबर 1 लिखा, डेट लिखी, टाइम लिखा, रोल नंबर लिखा, ये सब चीज़ हमने डिटेल वहां पर लिख ली। उसके साथ साथ में दूसरा पेज हमारा आ जाएगा, पेज नंबर 2 लिखा एंड देन रोल नंबर लिखा, फिर वहां पर अपने
आंसर नंबर वन स्टार्ट कर दिया यहाँ से, और ये आंसर नंबर वन मान लीजिए मेरा 5 पेजेस में आया, तो इसके पूरे की एक पीडीएफ मैंने 7 MB में बना दी। इस पीडीएफ को चाहूँ तो मैं पहले ही अपलोड कर सकती हूँ, लास्ट में चारों पीडीएफ एक साथ अपलोड करने का मैं वेट ना करते हुए, अगर मेरी एक पीडीएफ बन गई तो मैं इसको भी अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको क्या करना है, जो सेम आपका फ्रंट पेज एक ही बार आपको बनाना है, 4 पेज आपको नहीं बनाने हैं, आपको तो फोटो क्लिक करनी है, ठीक है, उनका पीडीएफ बनाने के लिए, तो दोबारा से इस वाले सेम फ्रंट पेज को यहाँ पर लगा देना, और फिर अगले आपके दूसरा क्वेश्चन होगा उसको यहाँ पर पेज नंबर 2 से आंसर नंबर 2 करके आप स्टार्ट कर देना, इसका पीडीएफ अलग बना लेना। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सेम करना है, फ्रंट पेज आपको सेम रखना है, उसकी फोटो लगा देनी है, एंड देन आपको इसका भी पीडीएफ बना देना है। फोर्थ क्वेश्चन में भी आप सेम करेंगे, और इसी तरीके से देखिए टाइम के साथ अगर आपने 3 क्वेश्चन भी अपने अपलोड कर दिए सक्सेसफुली, आप लास्ट टाइम का वेट मत करिएगा प्लीज़, कि लास्ट टाइम में ही आप 4 PDF अपलोड करें, तो ऐसा मत करिएगा। आप पहले क्वेश्चन आपने कर दिया, इसका PDF बनाओ, फटाफट से अपलोड कर दो, ठीक है। अपलोड करने के बाद हो सकता है कि आपके पास कोई मेल आए कि आपका जो PDF है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, अगर नहीं भी आए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप ध्यान रखिएगा कि आपने सही चीज़ सही तरीके से आपने टाइम से अपनी PDF अपलोड कर दिए हैं। फिर भी कोई इशू आता है तो उसके लिए मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि एक दिन पहले आपको एक और काम करना है, जितनी भी ये शीट हैं, ठीक है, उन पर आप मान लीजिए एक क्वेश्चन का आंसर आप मान के चले, आप 5 या 6 पेजेस मान के चल लीजिए, 6 पेजेस आपको ऐसे तैयार करके रख लेने हैं। फ्रंट पेज आप एक ही बना लोगे, वो 4 रुपये लग जाएगी उसकी फोटो, फिर पेज नंबर 2, फिर यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना मत भूलिएगा। लास्ट डे में आपका काम कम हो जाएगा, तो सभी में ये सब चीज़ लिख के सभी मतलब इस तरीके से आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी इस तरीके से, पेज नंबर 2 याद रहे, काउंटिंग सबकी अलग अलग होनी चाहिए, जैसे कि पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हो गया, सेकेंड वाले के लिए भी ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आपको ये PDF बनानी है। देखिए इस तरीके से आप प्लेन शीट ले सकते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर पेज नंबर 1, यहाँ पर डेट टाइम एंड ये, यहाँ पर आप चाहे तो अपना सिग्नेचर ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर सकते हैं सिग्नेचर स्पेस पे कहीं पर भी। इस तरीके से आपको फ्रंट पेज बना लेना है अपना, सब डिटेल आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देनी है, आपकी डेट क्या होगी, टाइम क्या है पेपर का, टाइम एग्ज़ाम रोल नंबर आपका क्या है वो लिखना है, नेम ऑफ प्रोग्राम यानी कि आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के हैं, ठीक है, यहाँ लिख देना है। सेमेस्टर आपका ईयर है इस टाइम पे, तो एनुअल मोड के एग्जाम है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है। यूनिक पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर पर होगा, आप उसको लिख दीजिएगा, ये आपकी गाइडलाइंस में सब दिया हुआ भी है। टाइटल ऑफ द पेपर यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से आपने ये वाला पेज बना दिया, देन उसके बाद में नेक्स्ट पेज आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है, पेज नंबर 2। आप चाहें तो फर्स्ट पेज पे आप पेज नंबर 1 ना लिखते हुए आप यहाँ पर भी पेज नंबर 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके साथ में इस पेज को अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना लिख सकते हैं आंसर नंबर 1, और यहाँ से अपना आंसर आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये 3, 4, 5 पेजों में इस तरीके से आ जाता है, इसका आपको अलग से PDF बनाना है, और इस तरीके से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है, और यहाँ पर एग्ज़ाम रोल नंबर आपको लिखना है, ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपको कर देना है अपना साइन, ठीक है, यहाँ पर आपको अपना साइन कर देना है ऊपर लास्ट में, एंड देन अपना यहाँ पर आंसर स्टार्ट कर देना है। अगर आपके पास ये शीट नहीं मिल पा रही है तो आप इसमें भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको इस तरीके से ये पूरा फ्रंट पेज आपको ऐसे ही बनाना है, यहाँ पर ये सब डिटेल लिखनी है, एंड देन आपका जो सेकंड पेज होगा, सेकंड पेज आप इस तरीके से ले सकते हैं, सेकंड पेज पे आपको इस तरीके से लिखना होगा, आपका एग्जाम रोल नंबर यहाँ लिखना होगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा, पेज नंबर लिखना होगा, आंसर नंबर 1 डाल के इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना होगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको अपना ओपन बुक एग्जाम देना है। मैंने लाइव वीडियो बनाई हुई है मॉक टेस्ट के लिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ओपन बुक के लिए कैसे करना है, किन किन बातों का वहाँ पर ध्यान रखना है, आप प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिएगा। 100% आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद में PDF कैसे बनाएं, तो उसके लिए आप डॉक्स्कैनर एक ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से, वहाँ से इसे बना सकते हैं। 7 पॉइंट इसलिए मैंने 2 स्टार यहाँ पर लगाए हुए हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF अपलोड करते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपकी जो PDF है वो सक्सेसफुली अपलोड नहीं दिखा रही है, कोई भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पर, बस आपको वहाँ पर लास्ट टाइम में टाइम ऊपर दिख रखा होगा आपके फ़ोन में, तो उस टाइम पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और आपको 4 घंटे के बाद अगर मतलब जो टाइम है 4 आवर्स का, 4 आवर्स के बाद में अगर आपकी PDF जो है उनके पास जाती है तो ये आपकी जो आंसर शीट की PDF है वो जाएगी रिव्यू कम्युनिटी के पास, और उसके बाद में आपसे एविडेंस मांगा जाएगा कि बताइए
किस वजह से आपकी जो फाइल थी वो लेट अपलोड हुई है, ठीक है। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रखें, कोशिश करें जल्दी से जल्दी आप पीडीएफ को अपलोड कर दें, और साथ ही साथ अलग फ़ोन में एक कोशिश करें फोल्डर बना के रखें जहाँ पर आप फटाफट से अपने जो भी आपकी आंसर स्टेट उसको स्कैन करके उनके पीडीएफ बना के रख सकें। जब तक रिजल्ट नहीं आता उसको अपने पास रखें। ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्जाम के लिए। जो पीडीएफ है मैं अलग अलग से नहीं बताऊंगी, उनको अलग अलग से वीडियो चाहती तो मैं बना सकती थी, बट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे लिए सेम अलग अलग वीडियोज़ बना पाना, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इस बार आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर आपको आंसर भी प्रोवाइड कर रही हूँ। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, आपको लगता है कि इस तरीके की वीडियोस है, इतना मेहनत करके तबियत खराब में भी आपके लिए पीडीएफ बनाए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।